ये वो चीज़ है जो हम सब की ज़िंदगी में इसलिए होती है कि हम लोग जान सकें कि हमारी खुशी और हमारी आज़ादी का ताल्लुक किस हद तक दूसरों के मातहत होता है ये नहीं होता, ये एक अलग चैप्टर है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर देयर। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो आपकी मर्जी है। पुराने यूनान में कहा जाता था कि आपकी खुशी और आपकी आज़ादी का ताल्लुक इस एक असूल को जानने में है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि हो ही नहीं सकती। और इस चीज़ को आप स्टोसिज्म का बुनियादी एलिमेंट या इस पूरे स्टोसिज्म की आप इसको बुनियाद कह सकते हैं कि इस एक असूल पे पूरा स्टोसिज्म जो है वो खड़ा है। आप में से अक्सर लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होगी, लेकिन जिन लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम वो पहले इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें। में से किस किस को इसकी समझ आई है? जिनको नहीं आई उनको मैं बता देता हूँ। चलें आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मैंने जब अपना फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट किया तो उस टाइम जो चीज़ मेरे कंट्रोल में थी वो था मैक्सिमम जॉब प्रपोजल सेंड करना, उन जॉब्स के अगेंस्ट जो बायर आके उस साइट पर पोस्ट करते थे, और क्योंकि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में थी और मैं सिर्फ यही कर सकता था। और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी वो थी उस जॉब के अगेंस्ट सिलेक्ट हो जाना या उस वेबसाइट की सर्च बार में रैंक करना। तो अगर मैं शुरू ही से इस चीज़ को कंट्रोल करता कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो ये चीज़ आप समझ लें कि एक्सटर्नैलिटीज़ पे बेस करती थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर मैं कैरियर के शुरू में सिर्फ इसी चीज़ को सोचता कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो ये सिवाय एक नाखुश करने वाली रेसिपी थी, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं था। और ये तो थी एक प्रोफेशनल लाइफ से मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी। हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर इस नाखुश करने वाली रेसिपी का शिकार हो जाते हैं। तो आप में से कौन है जो ये चाहेगा या चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो इस नाखुश करने वाली रेसिपी से बदमज़ा हो जाए? तो आइए आपको बताता हूँ कि किस तरह स्टोसिज्म ने मुझे मदद की उन चीज़ों को कंट्रोल करने में जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। यहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उन चीज़ों जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी उनको मैंने कंट्रोल किया, बल्कि कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरह मैंने उन चीज़ों को मैनेज किया जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। आप मेरे पे ये तोहमत नहीं लगा सकते कि दूसरों की तरह मेरे पास बचपन में सब कुछ था। सब कुछ से मुराद वही जो हम लोग आज अपने और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिसकी तवद्दो में दिन रात मसरूफ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं किसी कोने खुदरे में ज़रूरतों का दिया ख्वाहिशों की लौ को हमेशा जलाए रखता था। लेकिन खैर स्टोसिज्म की तरफ वापस आते हैं, ये ज़रा मौजू किसी और तरफ जाता दिखाई दे रहा था। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई इवेंट होता है तो हम इस इवेंट की एक स्टोरी बनाते हैं अपने जहन में, और उस स्टोरी की बेस पे हम लोग एक राय कायम करते हैं उस इवेंट के बारे में कि क्या क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसने किया। तो हम हर उस वाक्य को अपनी मर्जी का मतलब देते हैं, और फिर इसी मतलब की बुनियाद पर किसी चीज़ के सही या गलत होने के बारे में राय कायम करते हैं। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में जब कोई वाक्या होता है तो वो वाक्या हमें इतना परेशान नहीं करता जितना कि उस वाक्य के बारे में हमारी जजमेंट हमें परेशान या अपसेट करती है।
मेरी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जहाँ पे लोगों ने मुझे उस अपनी कायम करदा राय की बुनियाद पर परखना चाहा और मुझे आप कह लें कि इस मेयार पर परखना चाहा कि जो सरासर गलत था। अगर आप ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप बताइए आपके पास क्या हल हो सकता है। तो आप में से जिन लोगों ने उस स्टोसिज्म की डेफिनेशन अभी देखी है तो उनको शायद पता चल गया हो कि किस तरह स्टोसिज्म जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद कर सकता है अगर आप लोग ये चाहते हैं। ज़िंदगी में वाक़यात होते रहते हैं और आप उनको तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको इस हद तक बदल सकते हैं कि वो आपको बुरे ना लगें। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के स्टार्ट में तो नहीं खैर, लेकिन उसके कुछ अरसा बाद चीज़ें जब इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होती हैं तो मैंने इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि मतलब एक ओवरनाइट जो है ना आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना एक टर्म है अनसंग हीरो, तो इसी तरह अनसीन मोमेंट्स होते हैं, अनसीन फीलिंग्स होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की तरफ लेके जाती हैं और आपको उस चीज़ के मुताबिक डालती हैं जिसका आपने एक अपना माइंडसेट बनाया होता है। तो मेरे लिए भी यही था कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कुछ अरसा बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना जो रुझान है वो इस चीज़ की तरफ लाना शुरू किया। मेरे ख्याल में जब भी कोई इवेंट हो आपकी ज़िंदगी में, अच्छा हो बुरा हो, तो उसके बारे में एक आपको सतही राय कायम नहीं करनी चाहिए और ना ही आपको उस इवेंट को फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर पे आप कोई अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो ये आपकी ज़िंदगी में जब वो मैं गारंटी तो नहीं कह सकता, मतलब गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ठहराव और काफ़ी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको होगा। किसी को बताएं, इसका एक डेमो करें और जो मैंने चीज़ें बताई हैं जो आप मतलब ख़ुद जाके सर्च करें इंटरनेट पे स्टोसिज्म के बारे में, तो जो चीज़ें आपको जो उसकी मेन हेडिंग्स हैं आप उस चीज़ को सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक डेमो के तौर पर मतलब कहीं पर आप डेमो कर सकते हैं, तो आप उसका डेमो करें और अगर आप वो चेक करें कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये गलत हैं या सही हैं। अगर तो गलत हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, अगर सही हैं तो फिर भी आप बताएं ताकि बाकी लोग जो है वो इस चीज़ को मज़ीद जान सकें। ये एक डिटेल वीडियो तो नहीं थी इसके स्टोसिज्म के बारे में क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसकी ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह ये आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद कर सकता है आपको खुश और आज़ाद रखने में। तो इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं या आप इसका जो खुलासा है वो यूँ समझ लें कि जब भी कोई इवेंट हो, अच्छा हो बुरा हो, उसके बारे में बहुत जल्द कोई राय कायम ना करें। नंबर टू, किसी भी चीज़ का फौरी रिस्पॉन्स ना करें। और नंबर थ्री, लोगों को दरगुजर और माफ़ करना सीखें, आपकी ज़िंदगी सुकून से बच जाएगी। और नंबर फोर, आप ये स्टोसिज्म से थोड़ा सा हट के है और वो ये है जो मैं मतलब अपनी लाइफ में टेस्ट कर चुका हूँ और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं उससे बेनियाज हो जाएं और इनके बारे में सोचना छोड़ दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज महसूस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोसिज्म पे कंप्लीट तो नहीं खैर लेकिन एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं, तो मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो इस पर पूरी डिटेल के साथ बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारी ट्रैफिक आज ही आनी है।